हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम नेहा. और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को गाइस, और बन जाइए हिस्सा इस प्यारी सी फैमिली का. सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मेरे 7 फेवरेट प्रोडक्ट्स, जो कि 2018 में मेरे फेवरेट्स रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत टाइम तक मेरे फेवरेट होने वाले हैं या हमेशा के लिए मेरे फेवरेट होने वाले हैं. सो मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ वो सारे प्रोडक्ट्स. और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा इस, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सो दैट मैं ग्रो कर सकूँ. सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि मेरे को 7 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जो मेरे फेवरेट्स हैं 2018 के. ओके गाइस, तो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस बास्केट में रखे हुए हैं और मैं आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर करने वाली हूँ वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं, जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं एक्चुअली, और मैं उन्हें बार बार खरीदने वाली हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके गाइस, फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये ईवा का डिओड्रेंट. एंड गाइस, ये मेरा मोस्ट फेवरेट डिओड्रेंट है. बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये सिर्फ 130 रुपीस का आता है और जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटी फ्लोरल है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है. और ये वेरियंट है ईवा वाइल्ड और स्पाइसी सरप्राइज, और मैं आप लोगों को ये हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी. एक्चुअली जो भी मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को शो करने वाली हूँ वो सारे मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी. और इसमें कोई अल्कोहल नहीं है और ये स्किन फ्रेंडली है. आप लोग एक बार ये डिओड्रेंट ज़रूर ट्राई करिए और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है तो एक बार ट्राई करना तो बनता है गाइज. एंड आई रियली थिंक आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है. सो दिस इज़ माई फर्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ 2018. ओके गाइज, मूविंग ऑन, देखते हैं सेकेंड प्रोडक्ट क्या है जो मुझे 2018 में बहुत ज़्यादा पसंद आया है. सेकेंड प्रोडक्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है ये मालियाओ का मैजिक परफेक्टिंग बेस फेस प्राइमर. बिलीव मी गाइज, ये बहुत ज़्यादा अच्छा फेस प्राइमर है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है. सारे प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है सबके प्राइसेस, बट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी तो आप लोग चेक कर लीजिए. आई थिंक अंडर 300 रुपीज़ है. मैंने कलर बार का प्राइमर भी यूज़ किया है विच इज़ फॉर 850 रुपीज़ गाइज, और ये 300 के अंदर आ जाता है. और दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं. आई थिंक दोनों बिल्कुल सेम है, मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं पता चला है दोनों में. दोनों का टेक्सचर वगैरह सब सेम है. कलर बार का जो प्राइमर है वो भी सिलिकॉन बेस्ड है और ये मालियाओ का जो प्राइमर है ये भी सिलिकॉन बेस्ड है, और मुझे दोनों ही सेम लगे, मुझे तो कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई दिया. एंड इट क्लेम्स दैट इट लास्ट फॉर 24 आवर्स एंड दिस इज़ मैट फिनिश, ऑयल फ्री, फिल इन द फाइन लाइन्स एंड क्रिएट्स अ फ्लॉलेस फिनिश, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. बिकॉज इसको अप्लाई करने के बाद स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है. जो भी आपके ओपन पोर्स होते हैं ये प्राइमर उसको अच्छे से मिनिमाइज कर देता है. और फाउंडेशन के पहले अगर आप ये प्राइमर यूज़ करते हैं तो फाउंडेशन बहुत ही ईजिली ग्लाइड हो जाता है आपकी स्किन पे. आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई दिस प्राइमर. मेरे पास अभी फिलहाल यही प्राइमर है. मैंने कलर बार का भी यूज़ किया जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बट फिलहाल मेरे पास वो नहीं है क्योंकि वो फिनिश हो गया. उसके बाद मैंने ये वाला लिया था, मुझे दोनों बिल्कुल ही सेम लगे. सो उसके बाद से तो मैंने सिर्फ यही लिया है. और ये मेरा तीसरा ट्यूब है गाइज, और मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम तक मैं कोई और प्राइमर ट्राई करना चाहूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. सो या, दिस इज़ माई सेकेंड मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ 2018. ओके गाइज, मूविंग ऑन, देखते हैं थर्ड प्रोडक्ट कौन सा है जो मेरा फेवरेट है 2018 में. सो थर्ड प्रोडक्ट विच इज़ माई फेवरेट इज़ दिस स्टेक वर्की का लिक्विड लाइनर. दिस इज़ लिक्विड मैट लाइनर फ्रॉम स्टेक वर्की. जब से मैंने ये लाइनर यूज़ किया मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार ये लाइनर. और ये आपको मिल जाएगा purple.com पे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि और कहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि मैंने purple.com से लिया था. और अगेन ये आईलाइनर बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. इसका प्राइस जो है वो आई थिंक वो अंडर 200 है. एग्जैक्टली क्या प्राइस है इसका वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी. इसका जो टिप है वो बहुत ज़्यादा थिन है तो आप बहुत ही प्रिसाइज लाइनर से ड्रॉ कर सकते हैं. वन स्वाइप एप्लीकेशन है, स्पेशली विंग लाइनर अगर आपको ड्रॉ करना है, वेरी नाइस फॉर दैट. सो दिस इज़ द थर्ड प्रोडक्ट विच इज़ माई फेवरेट इन 2018, और मैं आप लोगों को ये हाईली रिकमेंड करूँगी. आप लोग एक बार तो स्टेक वर्की का लिक्विड लाइनर ज़रूर ट्राई करिए. या, लिक्विड मैट लाइनर फ्रॉम स्टेक वर्की, दिस इज़ माई नेक्स्ट प्रोडक्ट. गाइस, मूविंग ऑन, देखते हैं चौथा प्रोडक्ट कौन सा है जो मेरा फेवरेट है 2018 में. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ माई फेवरेट इन 2018 इज़ फ्रॉम ब्लिसन. सो ये एक स्क्रब है, और ये भी मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया हुआ है. और मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ये स्क्रब यूज़ करने के बाद आपको कोई फेशियल वगैरह की ज़रूरत नहीं है. मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइस, मैं एक शादी में गई हुई थी और मैं अपने साथ फेशियल किट लेके गई हुई थी. मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला फेशियल करने का. सो मैंने मेकअप के पहले ये स्क्रब यूज़ कर लिया था, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अचानक से मेरे फेस पे इतना अच्छा वाला ग्लो आ जाता है स्क्रब को यूज़ करने के बाद. और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ये मुझे वैनिटी कास्ट बॉक्स में मिला था. सो
सो आई रियली डोंट नो ये बाहर अवेलेबल है या नहीं है, बट अगर मैं आप लोगों को इसका नाम जो है वो स्क्रीन पे दे दूँगी. सो आप लोग ज़रूर एक बार चेक कर लेना, अगर ये कहीं बाहर अवेलेबल हो तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिए. सो दिस इज़ माई फोर्थ फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम 2018. सो गाइज लेट्स मूव ऑन. और गाइज, सो पाँचवा जो प्रोडक्ट है वो है ये मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, और मेरा जो शेड है वो है 120 क्लासिक आइवरी. और गाइज मुझे नहीं लगता है कि ड्रग स्टोर में इतना अच्छा फाउंडेशन कोई दूसरा है, एटलीस्ट मुझे तो अभी तक ऐसा कोई फाउंडेशन ड्रग स्टोर में नहीं मिला है जो इतना अच्छा हो. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है एंड दिस इज़ फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, बट आई थिंक जिसकी ड्राई स्किन भी है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं. बट आप इसको यूज़ करने के पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइजर जो है वो ज़्यादा अप्लाई कर लीजिए तो आप लोग ईजिली इसे यूज़ कर पाएंगे. और मुझे ये फाउंडेशन बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और मैंने पूरे साल इस फाउंडेशन को यूज़ किया और मैं बार बार इस फाउंडेशन को खरीदना चाहूंगी क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन. इसका जो प्राइस है वो है 575. आई थिंक फाउंडेशन के लिए 575 इज नॉट अ वेरी हाई प्राइस, और वैसे भी ऑनलाइन अगर आप लेते हैं तो सेल वगैरह चलती रहती है तो आपको काफ़ी डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. एंड आई विल हाईली हाईली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई दिस फाउंडेशन एटलीस्ट वंस. सो या, दिस इज माय फिफ्थ प्रोडक्ट विच इज़ माय मोस्ट फेवरेट इन 2018. ओके गाइज, मूविंग ऑन. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है ये मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर. अगेन दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन. इससे अच्छा कंसीलर ड्रग स्टोर में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हो सकता है. ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है और बॉम प्रोडक्ट है गाइज. ये आपके अंडर आइज़ को इंस्टेंटली लाइटन अप कर देता है और आपके डार्क सर्कल्स को बिल्कुल ही छुपा देता है. अगर मुझे कोई फुल कवरेज मेकअप करना है तो मैं इस कंसीलर को यूज़ करती हूँ और ये मेरे अंडर आइज़ को इंस्टेंटली लाइटन अप कर देता है और मेरे डार्क सर्कल्स को बिल्कुल वैनिश कर देता है. सो या, दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट कंसीलर. और इसका जो प्राइस है वो आई थिंक यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, बट इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 600 है और लिटिल अबव. बट गाइज, ये प्रोडक्ट जो है इसके लिए 600 कुछ भी नहीं है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कंसीलर्स. और आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को इसके बारे में बात करते हुए देखेंगे. और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, सो मुझे दूसरा खरीदना है और मैं जल्दी ही खरीदूंगी. दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट और एक बार तो ट्राई करना बनता ही है. सो या, दिस इज माई नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम 2018. ओके गाइज, लेट्स मूव ऑन. ओके गाइज, सो लास्ट प्रोडक्ट जो है जो मेरा 2018 में फेवरेट रहा है वो है ये बेकिंग हाईलाइटर फ्रॉम इनकलर. और अगेन ये मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में शो किया हुआ है. बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है और जो मेरा शेड है वो है 7 मूनस्टोन. और बहुत ही प्रिटी कलर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. ये बहुत ही प्रिटी शैम्पेन कलर है जैसे कि आप देख रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा बटरी सॉफ्ट है. मैं आप लोगों को स्वच्छ करके दिखा देती हूँ. सो बहुत ही ज़्यादा बटरी सॉफ्ट है, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही सटल ग्लो देता है आपको. बहुत ही चंकी हाइलाइटर नहीं है बट बहुत ही ज़्यादा सटल ग्लो देता है, इनर ग्लो देता है आपको. अब मेरे पास ज़्यादा हाइलाइटर्स नहीं है, एक दो हाइलाइटर्स ही हैं और जिसमें से ये मेरा मोस्ट फेवरेट है. जो प्राइस है गाइज वो मैं अगेन स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी बिकॉज मुझे याद नहीं है, बट ये भी एक अफोर्डेबल हाइलाइटर है तो आप लोग डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं. और मैं सिर्फ यही हाइलाइटर यूज़ करती हूँ और कोई हाइलाइटर यूज़ नहीं करती हूँ. मेरे पास एक दो हाइलाइटर्स और हैं बट मैं सिर्फ इसे ही यूज़ करती हूँ. इसमें गाइज बहुत सारे बेकिंग हाइलाइटर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे हाइलाइटर्स हैं, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इससे अच्छा हाइलाइटर मार्केट में नहीं है, बट दिस इज़ माय फेवरेट क्योंकि मैं इसे लगातार एक साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. सो आप लोग ज़रूर इसे एक बार तो ट्राई कर ही लो. सो या, दिस इज़ माय लास्ट प्रोडक्ट विच इज़ माय मोस्ट फेवरेट इन 2018. ओके गाइज, सो ये सारे प्रोडक्ट्स से जो 2018 में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए और मैं बार बार इसे ट्राई करना चाहूँगी, बार बार इन्हें खरीदना चाहूँगी. और आप लोगों को भी मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स आप एक बार तो ज़रूर ट्राई कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितने अच्छे हैं या कैसे हैं. मुझे लगता है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे, आप एक बार ज़रूर ट्राई करो. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है गाइज, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए गाइज और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सो दैट मैं ग्रो कर सकूँ. गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी. और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप सब हिस्सा बनेंगे हमारी इस प्यारी फैमिली का. सो गाइज, चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ. मिलूंगी आप लोगों को अपने अगले वीडियो में गाइज. तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल.